सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक महाजन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेनरिक टेकी। सो दोस्तों, आज फाइनली आपके लिए मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू लेके आया हूँ एसर नाइट्रो 5 2019 मॉडल का, जो कि मैंने ख़रीदा था। एज़ यू ऑल नो, ये जो मॉडल है ये राइजन 53550H के साथ आता है। ग्राफिक्स रेडियन के RX 560X 4GB, एंड बाकी आपको कॉन्फ़िगरेशन पता ही है। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म रिव्यू दूंगा। मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए इस लैपटॉप को यूज़ करते हुए, तो कैसा है मेरा एक्सपीरियंस एंड पुरानी वीडियोस जो मैंने अपलोड करी थी उनके आपको लिंक्स कार्ड में दे दूंगा। लेकिन उन वीडियोस के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, तो उन सभी कमेंट्स को कंपाइल करते हुए एंड शॉर्ट में लॉन्ग टर्म रिव्यू में मैं आपको सारी चीज़ें आज इस लैपटॉप के बारे में बताऊँगा। क्या ये एक परफेक्ट लैपटॉप है अंडर 50,000, ये मैं आज आपको इस वीडियो सेशन में बताऊँगा। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग यू मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे इसकी डिस्प्ले की। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, डिस्प्ले इसकी बहुत ऑसम है। IPS डिस्प्ले मिलती है, तो व्यूइंग एंगल्स आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल भी आपको इस लैपटॉप में काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल मैं डिस्प्ले से इसकी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अभी तक मुझे कोई शिकायत नहीं आई है। 60Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। एंड दूसरी बात, अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो आपको बिल्ड क्वालिटी इतनी ऑसम नहीं मिलती, बट लुकिंग एट द प्राइस, लुकिंग एट ऑल अदर फीचर्स, मैं इस बिल्ड क्वालिटी के साथ जी सकता हूँ एक्चुअली। एंड एज यू कैन सी, मैंने इस लैपटॉप को लैमिनेट करवा दिया है, मे बी आपको यहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा कैमरा में। तो लैमिनेट करवाने के बाद स्क्रैचेस से थोड़ा बच सकता हूँ आई गेस, बट मुझे ड्यूरेबिलिटी को लेकर ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, बट मे भी आपके साथ हो सकते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लास्टिक बिल्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस यानी गेमिंग की। मैंने गेमिंग की एक डेडिकेटेड वीडियो GTA की डाली थी कुछ ही दिन पहले, अगर आप वो देखना चाहते हो तो मैं आपको कार्ट में लिंक दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखना। बट यहाँ पे अगर मैं उस गेमिंग के रिव्यू की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था। हमने फुल HD में गेम को, बड़ी सारी सेटिंग्स को छेड़खानी करने के बाद भी खेल के देखा था, तो फुल HD में आपको 40 फ्रेम्स पर सेकंड ऑन एन एवरेज मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप HD ग्राफिक्स पर खेलते हो तो उस केस में आपको 60 फ्रेम्स पर सेकंड देखने को मिल जाते हैं। GT5 की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी गेम्स भी हम धीरे धीरे खेलेंगे, धीरे धीरे टेस्ट करेंगे, लेकिन आपको पता है यूट्यूब का काम इतना होता है कि गेमिंग खेलने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। दोस्तों, परफॉर्मेंस के बाद कुछ इंटरनल्स की बात कर लेते हैं। इसमें आपको विंडो 10 जैसे कि आप सबको पता है देखने को मिलता है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो इसमें आपको ट्रायल वर्जन मिलता है, तो आपको फुल वर्जन नहीं मिलता। ये एक इसका ड्रॉबैक है लैपटॉप का। दूसरी चीज़, इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड एंटीवायरस तो मिलता है, लेकिन उसका भी ट्रायल वर्जन मिलता है, तो ऑब्वियसली आपको ट्रायल वर्जन ख़त्म होने के बाद उसको बाय करना पड़ेगा, उसकी सब्सक्रिप्शन को, जो आपको अराउंड 1000 के करीब मिल जाती है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन जनरली आपको लैपटॉप्स में देखने को मिलते ही हैं। अब मैं उन बंदों के बारे में बात करूँगा जिन्होंने फ्लिपकार्ट बिलियन सेल में ख़रीदा, वो सबसे लक्की बंदे हैं, क्योंकि ऐसा लैपटॉप ऐसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आपको अगर 40,000 के अंडर मिला है, कई मैंने कमेंट्स देखे अपनी वीडियोस में जिनको 39,000 का मिला है, 36,000 का मिला है, सो दोज आर वेरी लकी पीपल। मैं खुश हूँ आप सबके लिए कि आपको इतने कम प्राइस में ये लैपटॉप मिला, बट मैंने इसको 47,000 में परचेज करा है, तो मैं 47,000 के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसकी परफॉर्मेंस से भी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे एंड बात करते हैं रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड की। सबसे पहले मैंने एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के साथ इसका टेस्ट किया था। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मैंने लगाई एंड SSD पे रीडिंग और राइटिंग करने की कोशिश की। जब मैंने SSD टू एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कॉपी किया डेटा, तो मेरे को ऑन एन एवरेज 80 Mbps की स्पीड मिली देखने को, और जब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से SSD में कॉपी करने की कोशिश करी तो आपको अराउंड 100 Mbps की स्पीड देखने को मिल जाती है। वहीं अगर मैं पेन ड्राइव की बात करूँ, एंड दोनों चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दूँ, यहाँ पर जो आपको USB 3.0 के पोर्ट्स मिलते हैं, इनसे मैंने ट्राई किया था, 2 से करने का फ़ायदा नहीं है। तो अगर पेन ड्राइव की बात करूं तो पेन ड्राइव में आपको SSD यानी हार्ड डिस्क से पेन ड्राइव में आपको 4 Mbps की स्पीड देखने को मिल जाती है, यानी पेन ड्राइव में राइटिंग की स्पीड थोड़ी कम है। लेकिन अगर आप पेन ड्राइव से हार्ड डिस्क यानी पेन ड्राइव से लैपटॉप पे अगर कॉपी कर रहे हो तो उस केस में आपको अराउंड 14 Mbps की स्पीड मिल जाती है ऑन एन एवरेज। तो ये काफ़ी अच्छा आउटपुट है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, मेरे हिसाब से इंप्रेसिव रिजल्ट हैं, तो यहाँ पर हमें कोई इशूज़ देखने को नहीं मिले हैं। बाकी बात करते हैं अब ऑडियो क्वालिटी की। एंड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से मैंने वीडियो अपलोड की है, मैंने ये कमेंट्स बहुत ज़्यादा देखे हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत कम है। मैं पर्सनली अगर आपको अपना एक्सपीरियंस दूं, मुझे एवरेज से ज़्यादा लगती है इसकी वॉल्यूम। मैं आपको अभी अगर आप मुझे बोलो सुना के बता, तो मैं यहाँ पर एक वीडियो प्ले करूँगा, तो आप यहाँ पर खुद इसकी ऑडियो को टेस्ट कर सकते हो।
तो मैं इसकी ऑडियो को करता हूँ। ये अभी फुल नहीं, ये देखो दोस्तों ये है इसकी फुल वॉल्यूम। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। आप यहाँ पे सुन सकते हो, आप Amazon एक्सक्लूसिव, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मुझे इसकी वॉल्यूम के साथ, रुको बंद करने दो पहले, तो टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मुझे इसकी वॉल्यूम के साथ यानी ऑडियो आउटपुट के साथ ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आए हैं। बस इशू ये है कि इसके स्पीकर्स यहाँ पे नीचे हैं, तो समटाइम जब मैं इसको बेड पे या ऐसे वैसे जगहों पे यूज़ करता हूँ तो उस केस में मुझे आउटपुट थोड़ा लो मिलता है, लेकिन अगर आप ऐसे टेबल्स वगैरह पे यूज़ करते हो तो उस केस में आपको अच्छा आउटपुट मिलता है। एंड आई रिकमेंड कि अगर आप इसके नीचे कुछ बेस रखते हो एंड उसके ऊपर लैपटॉप को यूज़ करते हो तो इन दैट केस यू विल गेट अ बेटर आउटपुट ऑफ ऑडियो। लेकिन अगर आप किसी शोर वाले एरिया में हो तो उस केस में यू माइट फील कि ऑडियो आउटपुट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल रूम में इसको यूज़ करोगे तो ऑडियो आउटपुट इज़ सफिशियंट कि आप बिना हेडफोन्स के एक मूवी को, एक गेम को खेल सकते हो मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में एडिटिंग एक्सपीरियंस को लेके। सो दोस्तों मैंने पर्सनली ये लैपटॉप सिर्फ यूट्यूब की वीडियो एडिटिंग के लिए ख़रीदा था, बाकी मेरा कोई मकसद नहीं था। एंड आई एम टोटली वेरी हैप्पी, मैं फिल्मोरा सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ एंड आई एम हैप्पी कि मुझे फिल्मोरा सॉफ्टवेयर में कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। मेरी रेंडरिंग स्पीड की बात करूँ, अगर मैं जब हम वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे बात करूँ, मुझे हर जगह कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट मैंने, आपने देखे मेरे कैमरा रिव्यूज़, वहाँ पे मैं 4K वीडियोज़ रिकॉर्ड करके भी आपको बताता हूँ, तो 4K वीडियो की रिकॉर्डिंग की जो रेंडरिंग है वो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है सॉफ्टवेयर में। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी अच्छा है, मल्टीटास्किंग को बहुत इजीली सपोर्ट करता है। तो आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद द लैपटॉप टिल नाउ। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑलमोस्ट आफ्टर 2 months। सो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपको under 50,000, under 45,000 अगर आपको ये लैपटॉप देखने को मिलता है तो प्लीज़ गो फॉर इट, इस टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छा लैपटॉप है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, बैटरी बैकअप। बैटरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेमिंग लैपटॉप। देखो अगर मैं इसको एक गेमिंग लैपटॉप के परस्पेक्टिव से जज करूं तो इसका बैटरी बैकअप आपको, मुझे नहीं लगता किसी और गेमिंग लैपटॉप में इतना अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा। नॉर्मल यूजेज में आपको 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन अगर आप हार्डकोर गेमिंग करते हो तो उस केस में आपको 1.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है ऑन एन एवरेज। तो ये एक इंप्रेसिव चीज़ है। एंड वैसे भी जब हमने गेमिंग करनी है तो हम हमेशा चार्जर को प्लग इन करके ही करते हैं ताकि अच्छे फ्रेम रेट्स हमें देखने को मिले। तो ये है ओवरऑल मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू इस लैपटॉप के बारे में। आई होप मैंने हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश करी है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस एंड आपके कमेंट्स और इन सभी चीज़ों को कंपाइल करके मैं वीडियो बनाता रहूं, आपकी हेल्प करता रहूं एंड मेरी हेल्प जो है वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंपैक्ट डाले। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्यूचर के लिए। इन द एंड आई विल से जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।